हाय एवरीवन, सो उत्तराखंड 2024 प्रीलिम्स अब ओवर हो चुका है एंड आई होप यू हैव डन वेल. नाउ लास्ट वन वीक वी हैव बीन ऑल डिस्कसिंग अबाउट कट ऑफ्स, विच क्वेश्चंस कुड बी एलिमिनेटेड एंड एवरीथिंग अबाउट इट. अब हफ्ता भर हो चुका है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज उत्तराखंड पीसीएस मेंस, विच इज शेड्यूल्ड फॉर 16th नवंबर 2024. सो वी डोंट हैव दैट kind of time, hardly 3.5 months. The syllabus has changed, so strategy will also change, right? So hum is video mein, for the next 100 days, what should be your macro level strategy, what should you do, what you should not do, we'll discuss it today. Fine. So pehle hum baat karte hain difference between prelims and mains. Now everyone who's a serious candidate knows about it. So just a quick recap about those things. क्योंकि जिस तरह पढ़ाई करोगे अब या कर रहे थे, अब आपको काफ़ी different approach रखनी पड़ेगी. तो prelim सबको पता है objective based है, and particularly in PCS, उत्तराखंड PCS we talk about specifically, it's too much objective based, right? यहाँ पर कुछ analysis नहीं होती है, यहाँ पर ज़्यादा logical, अपना logical दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, right? But mains is subjective. Now this is where everything changes. Your strategy, how to study even any book or content has to change. Why? Because of the subjective nature of the paper. Now yahan pe kya cheez hai, thoda sa difference hai Uttarakhand PCS ke pattern mein. If you have been following other state exams for that matter, or for that matter UPSC, agar aapne past year paper bhi dekhe honge, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है. मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार. इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी. वी हैड फाइल एन आरटीआई एंड वी गॉट अ रिप्लाई व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी कैन एक्सपेक्ट इन उत्तराखंड मेंस. तो जो उन्होंने रिप्लाई करा है, अति लघु उत्तरीय विस्तृत उत्तरीय. अति लघु मीन्स वेरी स्मॉल, देन लघु उत्तरीय स्मॉल, एंड विस्तृत मीन्स डिस्क्रिप्टिव. नाउ ये ऐसा पैटर्न आपका और स्टेट एग्जाम्स में नहीं होता. अगर आप यूपी की बात भी करें, जो अभी बाजू में ही अपने सिस्टर स्टेट, राइट, तो वहाँ पे भी जो पैटर्न चेंज हुआ है, इट इज़ मोर लेस ऑन यूपीएससी लाइंस. द सिलेबस इज ऑल्सो मोर लेस ऑन यूपीएससी लाइंस. कुछ कुछ चीज़ वहाँ पे एक्स्ट्रा है, लेकिन जो ये क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उसको कैसे डिसिफर करा जाए. सो अभी जो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वी आर एज्यूमिंग दैट जो पैटर्न रहेगा, अगर वो लघु उत्तरीय बोल रहे हैं, तो मे बी 20 वर्ड्स और 50 वर्ड्स क्वेश्चन जो पहले से उत्तराखंड में आते हैं. लोअर पीसीएस में 25 वर्ड्स वाले भी ऐड हो जाते हैं, राइट. तो ये एक पूछा जा सकता है लघु उत्तरीय. और जो अगर इसका बोला जाए, अब लघु का मतलब ये भी हो सकता है, और फॉर दैट मैटर 125 वर्ड्स, जो कि और फॉर दैट मैटर 100 वर्ड्स ऑल्सो कुड बी 100 वर्ड्स ऑल्सो. और जो विस्तृत है वो दैट इज फुल लेंथ, राइट. तो 200 वर्ड भी हो सकता है उसका वर्ड लेंथ, और 250 वर्ड्स भी हो सकता है. नाउ वी हैव दिस मच इंफॉर्मेशन ओनली अबाउट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे माइट आस्क. नाउ वी हैव फाइल एन आरटीआई अगेन लास्ट वीक ओनली टू आस्क देम टू गिव अस अ सैंपल कि आप व्हाट डू यू मीन बाय अति लघु उत्तरीय, या फिर लघु उत्तरीय या विस्तृत उत्तरीय, कि पता तो लगे क्या किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, राइट. बट फॉर टाइम बीइंग, अगर हमने आंसर राइटिंग भी करवाई है, तो हम लोगों ने इन चीजों पे ज्यादा फोकस किया है. 125 और 200 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस में भी ज्यादा फोकस किया है. मे बी नहीं, इनफैक्ट वी विल फॉलो दिस पैटर्न ऑल्सो, कि अब शायद हम ये भी इंक्लूड करने लगे हैं आपके डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वाले में. बिकॉज सिंस अभी तक कोई हमारे पास ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं. एंड व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, because the strategy to write 20 word or 50 word answer is completely different from writing 125 or 200 word answer. We will discuss about it again in subsequent videos. Let us restrict ourselves to strategy only. Fine. तो ये चीज़ आपने देखा कि subjective paper है, तो यहाँ पर आपको क्या करने का है, कि यहाँ पर आपको in depth पढ़ना है, ठीक है ना. अभी तक जो आप उत्तराखंड के पढ़ रहे थे, बहुत सारे लोगों की जो strategy थी कि PYQs लगा दिए सारे के सारे, घटना चक्र लगा दी, और स्टेट के प्री के क्वेश्चन लगा दिए, एंड मे बी दे आर लकी दे कुड क्लियर. बट हेयर इन मेंस ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी नहीं चलने वाली. यू नीड हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी कंसेप्ट, फैक्ट्स,
किनारे, फैक्ट्स चलो ठीक है अगर याद रहे तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे आपको अपना लॉजिकल और एनालिटिकल दिमाग लगाना पड़ेगा. जस्ट गिविंग यू सम एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, जैसे बोल सकते हो कि अगर हम पेपर वन की बात करें तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री में पूछ लिया जा सकता है कि व्हाट वर द रीजंस फॉर द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर. तो क्वेश्चन विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंस द पैटर्न हैज चेंज अभी. तो जो अभी हमने पहले भी देखा है यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में भी, तो वहाँ पे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन स्टिल इट्स सब्जेक्टिव राइट. तो आपको पॉइंट्स सारे पता होने चाहिए. ऐसी ऐसी का पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में भी यू कैन एक्सपेक्ट अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, वॉट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ फाइनेंस कमीशन क्वेश्चन मार्क, एनालाइज द रिकमेंडेशन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन एक्सेट्रा. वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी सब्जेक्ट लेटर ऑन कि हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन सी बुक्स फॉलो करने चाहिए. आई वॉज जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल कि किस तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं. थर्ड थिंग इज हेयर करंट अफेयर्स पार्ट. नाउ इन प्री यू कुड हैव मे बी इग्नोर द करंट अफेयर्स इन अ सेंस दैट कि आप कोई मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो और उसमें से फैक्ट्स आपने रट लिए कि किसने नोबेल प्राइज जीता, कौन सा अवार्ड किसको मिला, किसका अपॉइंटमेंट हुआ. लेकिन यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते. आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर अगर आपको न्यूज़पेपर आज तक पढ़ा ही नहीं है. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको थीम बेस्ड या टॉपिक बेस्ड पढ़ना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे लास्ट ईयर G20 समिट हुआ, तो G20 समिट इज वन ऑफ द टॉपिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप, तो आपको उसके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा. एंड पर्टिकुलरली फॉर पेपर टू एंड पेपर थ्री, पेपर वन और पेपर फोर में इतना करंट अफेयर्स का कुछ भी नहीं है, लेकिन पेपर टू और पेपर थ्री में आपका करंट अफेयर्स में फोकस रहेगा. नाउ इफ यू एनालाइज द पास्ट ईयर पेपर ऑफ उत्तराखंड, पर्टिकुलरली 2021-2022 वाला जो था, उसमें आप देखोगे कि बहुत रैंडम क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आए थे, पर्टिकुलरली इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जो कि वर अनएक्सपेक्टेड राइट. फॉर एग्जाम्पल, SCO समिट इन समरकंद, उस समय 2-3 महीने पहले हुआ था, उन्होंने पूछ लिया, और ऐसे एक दो क्वेश्चन और थे. तो बेसिकली आपको टॉपिक वाइज इसमें देखना पड़ेगा और थीम बेस्ड पढ़ना पड़ेगा. विल डिस्कस इट अबाउट हाउ टू स्टडी करंट अफेयर्स इन अनदर वीडियो, बस लेटिंग यू नो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम योर प्रीलिम्स एग्जाम. थर्ड थिंग इज हेयर यू हैव न्यू सब्जेक्ट्स टू स्टडी, जो आज तक आपने पहले शायद कभी पढ़े ना हो. जो लोग पहली बार मेंस लिखेंगे तो उनका पूरा फोकस प्री में ही रहता है, तो याले ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जो आपने आज तक शायद हाथ भी ना लगाए हों. दे आर वेरी नॉट दैट डिफिकल्ट, बट स्टिल आपको थोड़ा एफर्ट मानना ही पड़ेगा. आई विल डिस्कस इट इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड्स. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मार्केट मार्किंग स्कीमा इन उत्तराखंड मेंस. अभी जो पैटर्न चेंज हुआ, उस क्या पैटर्न चेंज हुआ है बेसिकली, तो आप यहाँ देखोगे ये पहले भी था जनरल हिंदी एंड ऐसे, भले वो एक ही सब्जेक्ट था, ठीक है ना, ऐसे अलग में नहीं था, लेकिन यहाँ पे अलग अलग हो गया है. नाउ सी द मार्क्स ऑल्सो एंड द टाइम, 150 मार्क्स फॉर हिंदी एंड 150 मार्क फॉर ऐसे, सो कंबाइंड दे आर 300 मार्क्स, ठीक है. फिर जैसे UPSC में है तो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट सिलेबस है आपका GS 1, 2, 3, 4, ठीक है, 200 × 4, दैट इज 800 मार्क्स. नाउ दिस इज समथिंग विच इज न्यू. नाउ दे हैव टर्न्ड व्हाट यू कैन से, जो उत्तराखंड वाला पार्ट है, जो यूपी में जैसे यूपी स्पेशल पेपर आए, यहाँ पे भी उत्तराखंड स्पेशल पेपर आ चुके हैं, दैट इज GS 5 और GS 6 को बोला जा रहा है. एंड हेयर ऑल्सो 200 × 2, दैट इज 400 मार्क्स के हैं. इसका डिटेल सिलेबस वगैरह या फिर स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट लिए है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे. नाउ हेयर यू नीड टू सी दिस, दैट टोटल इज 5500, फाइन, बट पीपल माइट इग्नोर दिस पर्टिकुलर छोटा सा नोट हेयर, दैट 35% मार्क्स इन जनरल हिंदी इज कंपल्सरी. तो आपको हिंदी के पेपर में तो पास होना ही पड़ेगा. अब मार्क्स जुड़ेंगे जुड़ेंगे, लेकिन 35% इज क्वालिफाइंग, दैट इज 35% ऑफ 150 कितना आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 35 + 17.5, राइट, इतना ही तो होगा अगर मेरी मैथ्स सही है. तो 35 + 17 तो 52.5 आपको इतने लेके आने ही पड़ेंगे, तभी जाके आपके बाकी पेपर चेक होंगे, फाइन. ओके, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं.
सो सिलेबस की अगर देखें, अभी अभी तो हमने सिर्फ मार्किंग स्कीमा देखा था, तो GS1 इज दी मोस्ट यू कैन से सब्जेक्टिव एंड सबसे बड़ा सिलेबस जिसका है वो GS1 का है, क्योंकि इसमें जो ये हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी वाला पार्ट है, इट्स ह्यूज, सिलेबस इज ह्यूज। हिस्ट्री में आप देखोगे एंशियंट भी है, मेडिवियल भी है, मॉडर्न भी है, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी है एंड वर्ल्ड हिस्ट्री भी है। अभी हम नोट्स बना रहे थे तो सबसे बड़े जो नोट्स अभी तक बने हैं वो इसको कवर करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा है, राइट? अपार्ट फ्रॉम देयर इज आर्ट एंड कल्चर ऑल्सो, विच इज़ वेरी यू कैन से वेग ऑल्सो, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसा है कि आर्ट एंड कल्चर पढ़ने में थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्टी आता है, वेरी बोरिंग एट टाइम्स, बोरिंग ऑल्सो, फाइन। लेकिन वॉट आई एम ट्राइंग टू से हेयर इज दैट इट्स ह्यूज, राइट? बहुत बड़ा सिलेबस। सिमिलरली फॉर ज्योग्राफी, इसमें सारा है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, सब इंक्लूडेड है। अब जो नया है, लेट्स टॉक अबाउट द न्यूज टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स विच हैव बीन एडेड। तो इसमें जो नया उन्होंने जोड़ा हुआ है इंडियन सोसाइटी, जो नया है बिल्कुल, और दूसरा जो होगा आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। सो दो टॉपिक जो आपके इसमें नए जुड़े हुए हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, अगर हम GS की सिर्फ बात करें तो इसमें GS1 में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। मार्क्स आपको उतने ही हैं, 200 मार्क्स का ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम इसमें लगने वाला है। तो यहाँ पे आपकी जो स्ट्रैटेजी है शुड कीप इनटू अकाउंट दिस फैक्ट, दैट इज कि 200 मार्क्स के लिए आप कितनी फाइट मारोगे। सेकेंड थिंग, दूसरा जैसा है सोसाइटी वाला, राइट? नाउ सोसाइटी अगर आप बात करो, है इसका सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, मे बी 25 आवर्स में, 20-25 आवर्स में इसकी क्लासेस पूरी हो जाएंगी। बट इफ वी सी दी UPSC पैटर्न और UPPCS पैटर्न, यू विल सी दैट मेनी क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दिस टॉपिक, राउंड अबाउट 25-30%। इसके बारे में हम जब सोसाइटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब बात करेंगे, क्योंकि सोसाइटी ये मैं ही पढ़ाने वाला हूँ ये वाला पार्ट, तो एंड वी विल स्टार्ट ऑन 24th इटसेल्फ। तो फर्स्ट क्लास में हम इसका एनालिसिस करेंगे और कैसे पढ़ना है। सो यू कैन सी स्मॉल टॉपिक बट 25-30% ऑफ द सिलेबस। मैं इसका जो ये 25-30% निकाला है, मैंने ये UPSC के जो PVIQs देखे हैं कितना वेटेज है और यूपी में कितना है उसकी बात कर रहा हूँ। तो लगभग 4 से 6 क्वेश्चन आप हर साल एक्सपेक्ट कर रहे हो इसमें, ठीक है? देन इज GS2। GS2 की बात करें तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जो जनरली सबका फेवरेट है, लक्ष्मीकांत, राइट? एवरी वन इज स्टडिंग दैट, तो दैट शुड सफाइस फॉर दिस। सिमिलरली गवर्नेंस, तो गवर्नेंस इज अ स्मॉल टॉपिक, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है ना? इसमें गुड गवर्नेंस के बारे में बात हो रही है, या फिर इनिशिएटिव फॉर गुड गवर्नेंस, लाइक सिटीजन चार्टर, RTI, सोशल ऑडिट एक्सेट्रा। तो छोटा टॉपिक, एक नया टॉपिक इसमें ये समझ लो, एक नया ये है। और तीसरा है आपका सबसे डायनेमिक एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो इसमें जो नया है, ये दीज आर द टू न्यू टॉपिक्स। अगेन व्हेन वी विल स्टार्ट द क्लास, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम ओनली न्यू टॉपिक्स, क्योंकि बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो आप पढ़ते हो, पॉलिटी आप पढ़ते रहते हो, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हो, लेकिन कुछ जो ऐसी चीज़ें जो जनरली इग्नोर्ड रहती हैं, हम उसके ऊपर पहले फोकस करेंगे एंड देन सब्सिक्वेंटली वी विल एड ऑन दीज ह्यूज सब्जेक्ट्स जो आपके पुराने वाले हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह, राइट? सिमिलर GS3 की बात करें तो वी हैव दिस इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी का पूरा पूरा है इसमें, ठीक है? देन द न्यू थिंग इज योर हेयर इज साइंस एंड टेक। नाउ हेयर इन साइंस एंड टेक मोर फोकस इज ऑन टेक पार्ट। नाउ UPSC वगैरह में आप देखोगे तो इट्स वेरी डायनेमिक देयर, राइट? एंड द क्वेश्चन कुड बी डिफिकल्ट, बट हेयर इन PCS लेवल यू कैन एज्यूम कि जो स्टैंडर्ड टॉपिक्स होते हैं टेक्नोलॉजी वाले से, फॉर एग्जाम्पल बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, या फिर कोई रनिंग थीम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फॉर दैट मैटर आपका क्रिप्टो करेंसी, तो वैसे क्वेश्चन आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करो, राइट? सिमिलरली एनवायरमेंट इज अ ओल्ड टॉपिक, बट डिजास्टर मैनेजमेंट इज समथिंग न्यू जो कि सिर्फ मेन्स में है, ठीक है? देन इज इंटरनल सिक्योरिटी, अगेन अ न्यू टॉपिक, बट दीज टॉपिक्स आर रियली स्मॉल। साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, अगर आप इसमें टाइम लगाओगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करोगे, ये जल्दी खत्म हो जाता है, इसके नोट्स भी इतने बड़े नहीं होते हैं, एंड द आउटपुट दैट इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू कैन एक्सपेक्ट
रिलेटिवली ठीक ठाक रहते हैं वहाँ पे, तो आप इसको भी कवर कर सकते हो, ठीक है, करना पड़ेगा इनफैक्ट, लेकिन फोकस रखना पड़ेगा स्टार्टिंग में ही. देन मूविंग ऑन टू GS4 एथिक्स. नाउ दिस इज द पार्ट विच आई बिलीव यू शुड स्टार्ट विथ, बिकॉज ये तो सबके लिए नया है, और इस जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए जो नए सब्जेक्ट ऐड हुए सबके लिए नए हैं. सो इट्स बेसिकली मोर और लेस फॉर न्यू बीज, एटलीस्ट अ लेविंग लेवल प्लेइंग फील्ड. अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करी जाए तो एथिक्स इज द सब्जेक्ट विच एवरी वन शुड फोकस ऑन. 200 मार्क, एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग नोट्स फॉर दैट रिसेंटली, रिवाइजिंग द नोट्स. तो अगर आप हिस्ट्री वगैरह की बात करोगे, हिस्ट्री पूरे जो मैं बता रहा हूँ, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, सबको अगर आप जोड़ लोगे तो राउंड अबाउट 600 पेजेस हो जाते हैं. एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नॉट मोर देन 220-230 पेजेस हैं फॉर द होल सिलेबस, राइट? तो कॉज बेनिफिट एनालिसिस करो तो आपको एथिक्स पे फोकस करना चाहिए इनिशियली स्टार्टिंग में, एंड बिकॉज मार्क्स यहाँ पे बढ़ सकते हैं आपके, एंड इट्स ईजी, नॉट दैट डिफिकल्ट. ओके, उसके अलावा आपका है हिंदी एंड एसे. तो आपने देख लिया 300 मार्क्स का यही है, तो 300 मार्क्स का आप देखोगे 300/1500 था, राइट? तो कितना होगा, 3, 5, 15, 20% ये इसका वेटेज है. एंड अगेन जनरली इग्नोर्ड पार्ट हिंदी. दोज पीपल हु आर वीक, आई वुड सजेस्ट हिंदी पढ़ना स्टार्ट कर दो, अच्छा आउटपुट आ सकता है, ठीक है. सिमिलरली एसेस ऐसे भी करने पड़ेंगे, और 20% ऑफ द वेटेज है. अगेन कंपेयर इट विद GS1 जहाँ पे बहुत पढ़ना है लेकिन सिर्फ 200 नंबर है, ठीक है. तो हम लोग आपके लिए हिंदी की क्लासेस तो होंगी बाद में, ऐसे के लिए हम लोग आपको ऐसे की बुकलेट देंगे, ठीक है. तो वी आर प्रिपेयरिंग इट एंड इट वुड बी कम्प्लीट इन नेक्स्ट फ्यू डेज. तो इसमें राउंड अबाउट हम लोगों ने 46 जनरल टॉपिक हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे का सिलेबस देखोगे तो उन्होंने ए बी सी पार्ट, तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. ए बी में जनरल टॉपिक्स हैं और सी में उत्तराखंड सेक्शन है. तो हम लोगों ने इसमें राउंड अबाउट 60 अप्रॉक्सीमेटली 65 एसेज डाले हुए हैं, ठीक है, सैम्पल एसेज एंड हाउ टू अप्रोच देम. सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि लास्ट टाइम भी काफ़ी हमारी जो बुकलेट आई थी उससे काफ़ी अटके थे वहाँ पे, ठीक है. नाउ दिस इज समथिंग विच इज न्यू फॉर एवरी वन, उत्तराखंड स्पेशल पेपर 5 एंड 6. और अभी इसके बारे में मतलब नोट्स वगैरह ऐसा मार्केट में अवेलेबल नहीं है, या बुक भी अवेलेबल नहीं है. हम लोगों के नोट्स इसके रेडी हो चुके हैं, उत्तराखंड 5 एंड 6, राइट? सैम्पल हमने डाल दिया है एंड काफ़ी एफर्ट मारा है. तो राउंड अप्रॉक्सीमेटली 600 पेजेस का है, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू. एंड अगर आप इसमें इसकी नंबर ऑफ पेजेस मत जाओ, क्योंकि हम लोगों ने जो नोट्स बनाने की कोशिश करी है इस बार, इट इज़ मोर टू डू विद लाइक जो लोग आप लोग नोट्स बनाओगे अपने से पॉइंट फॉर्मेट में बनाते हैं लोग या टेबल बनाते हो, तो हमने नोट्स भी आपके लिए वैसे बनाए. आप एक बार सैम्पल देखना, सो यू विल फाइंड देम इन वेरी आई से कि रिविजन करने के लिए बहुत आसान रहता है, हेडिंग, सब हेडिंग और पॉइंट फॉर्मेट. सो इट विल बी ईजी. तो UK स्पेशल पेपर 5 एंड 6. नाउ अगर इसका वेटेज आप देखोगे तो राउंड अबाउट इसका वेटेज आपका 400/1500, राइट? सो दिस शुड नॉट बी इग्नोर्ड. अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखोगे 4/15 कितना हो गया है, 1/6, 27% करीब आ जाएगा ये, जितना मेरी मैथ्स बोल रही है 27% करीब आ जाएगा. तो 27% ऑफ द पेपर एंड सिलेबस इज नॉट दैट वास्ट, इट्स रिलेटिवली ईजी, कर सकते हैं उत्तराखंड, राइट? तो इस पर फोकस होना चाहिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करंट अफेयर्स. नाउ ये पढ़ना पड़ेगा अभी, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, थीम बेस्ड, टॉपिक बेस्ड करेंगे, ज़्यादा डेप्थ में UPSC वाले एनालिसिस वाले मोड में नहीं जाना है, लेकिन वी हैव टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. जैसे कि प्री में हमने क्लासेस ली थी, CA के लिए ये भी हम क्लासेस लेंगे एंड इट विल बी ओपन फॉर ऑल, डोंट वरी अबाउट दैट, फाइन. नाउ सिलेबस के बारे में, मार्किंग स्कीमा के बाद स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट, इसके बारे में बात करते हैं. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैक्रो लेवल स्ट्रैटेजी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की. तो पहला जो हमारा एजम्पशन है यहाँ पे, एजम्पशन ये है कि एग्जाम डेट जो है, एग्जाम डेट आपको जैसे पहले बताया इज 16 November 2024. सो यू हैव वॉट राउंड अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 3.5 months लेफ्ट, ठीक है. तो 100 days मान लेते, 100 to 110 days मान लो, ठीक है, इतना टाइम आपके पास बचा हुआ है. तो ये जो स्ट्रैटेजी है इतने दिनों के लिए, 100 days की मान के चलते हैं. और दूसरा है कि नंबर ऑफ आवर्स यू विल बी पुटिंग इन टू योर डेली, आप कितना पढ़ोगे,
अगर एग्जाम डेट शिफ्ट हो जाती है, नो वन नोज. मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ. एग्जाम्पल क्या मतलब, व्हाट हैपेंड इन यूपी. यूपी में 2018 में हुआ था एंड देर वॉज अ होल सेल चेंज एज व्हाट हैज हैपेंड इन उत्तराखंड, की पूरा सिलेबस चेंज हो गया. लेकिन वहाँ पे टाइम नहीं दिया गया, वहाँ पे भी मेंस के लिए उतना ही टाइम, 3 महीना, और बच्चों को मतलब सिलेबस दे दिया था और आप देवर डिमांड्स फॉर इट कि थोड़ा टाइम और देना चाहिए, लेकिन वहाँ चेंज नहीं हुआ था. अभी जैसे कमीशन का जो एटीट्यूड है कि सब कुछ टाइम पे होना चाहिए, जैसे अभी प्री में भी हुआ था, मैनी पीपल वर आस्किंग टू चेंज द डेट बिकॉज ऑफ एनी क्लैश विद द एग्जाम प्लस वेदर जो खराब था बहुत जगह पे, लेकिन द कमीशन वॉज एडमेंट टू कंडक्ट द एग्जाम ऑन टाइम. सो इफ़ वही एटीट्यूड रहता है तो आई एम अज्यूमिंग कि आपके पास 100 days ही हैं, ठीक है ना. नंबर ऑफ आवर्स की बात करें तो अगर इतने कम दिन है एंड हमें पूरा सिलेबस कवर करना है तो आई एम अज्यूमिंग दैट यू विल स्टडी एटलीस्ट 12 hours अ डे. नाउ मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि सबकी एफिशिएंसी अलग अलग होती है, सबकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन का अलग अलग है, कोई बहुत सीनियर प्लेयर है. आई एम जस्ट गिविंग अ रफ आइडिया, राइट. सो ये 12 घंटे के मत जाना, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप इतना 10 से 12 घंटे आप रोज लगाओगे क्योंकि एग्जाम सर पे है, ठीक है. हो सकता है मुझे ये मत बोलना कि सर ने 12 घंटे बोला तो 12 घंटे ही पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है. आप अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है. आई विल जस्ट गिव यू जस्टिफाई व्हाई 12 hours, राइट, थोड़ी देर में. नाउ व्हेन टू स्टार्ट, नाउ डेट क्या है. देखो यार, अभी अगर आपने हफ्ता भर अब हो गया है पेपर हुए एंड यू स्टिल इन दैट मोड की कट ऑफ क्या होगी, उसकी एंजाइटी हो रही है, तो आई वुड सजेस्ट, देखो अगर कट ऑफ ऊपर भी जाएगी सबके लिए जा रही है, अगर कुछ बोनस मार्क्स मिल रहे हैं जनरली सबको मिलेंगे, अगर कट ऑफ कम जा रही सबके लिए जा रही है, आपके हाथ में नहीं है, बेसिकली आपके हाथ में नहीं है. आपके हाथ में सिर्फ अब मेहनत करना है. इफ़ यू बिलीव दैट यू वुड बी गिविंग दिस एग्जाम, दैट इज अ मीन्स, तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो. एंड इफ ये वाला एग्जाम भी नहीं देना, लेकिन अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो आप प्रिपरेशन तो करनी है, तो डोंट वेस्ट टाइम ऑन गेस वर्क कि कितनी कट ऑफ होगी या वेट करो कितनी होगी, वो सबके लिए वही रहेगा. लेकिन सपोजिटली 1 महीने बाद अगर रिजल्ट आता है, क्यों आप 1 महीने सिर्फ वेस्ट करते रहोगे, इसी एंजाइटी में रहोगे जब रिजल्ट आएगा उसके बाद करोगे. जैसे मैंने बोला, सारा गेम मेंस का है, प्री का कोई गेम नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ मेंस का है. तो आपको बहुत खुश होने की जरूरत भी नहीं कि प्री क्वालिफाई हो गया, दैट्स गुड, ठीक है, प्री क्वालिफाई. मेंस की आप तैयारी करना स्टार्ट कर देनी चाहिए, राइट. एटलीस्ट एट योर एंड यू शुड स्टार्ट स्टडिंग, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक. अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, बेंचमार्क क्या है. बेंचमार्क इन द सेंस कि हमारे पास कोई अभी सैम्पल पेपर नहीं है, हमारे पास यूपीएससी का है, लेकिन वी डोंट वांट टू गो टू दैट लेवल कि यूपीएससी में जितना पूरा करंट बेस एनालिटिकल हो और कॉम्प्लिकेटेड पेपर रिलेटिवली, उस लेवल की पढ़ाई करनी है, नहीं उस लेवल की नहीं करनी है. लेकिन हमारे पास जो बेंचमार्क अभी है वो है यूपीपीसीएस का. जिन लोगों ने नहीं देखी है यूपीपीसीएस के पेपर, तो आई वुड सजेस्ट, 2018 में पैटर्न चेंज हुआ था अभी, और अभी 5 पेपर हो चुके हैं, 18, 19, 20, 21, 22, 4-5 पेपर हो चुके हैं, तो आप उसका पैटर्न देख लो एंड सी द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग. आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस लेवल के इन डेप्थ पढ़ाई करनी है. सो ये आपका बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है ना. थर्ड थिंग इज, सिंस द सिलेबस इज देयर, इट्स यू कैन से दैट इट्स ह्यूज ऑल्सो, ह्यूज इसलिए बोल रहा हूँ कि टाइम लिमिट के हिसाब से, वरना तो अगर टाइम हो तो सब कुछ हो सकता है. तो सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप अपना पहले स्वॉट कर लो कि कहाँ कौन से सब्जेक्ट में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सनल स्वॉट, पर्सनल स्वॉट तो हमने वीडियो पहले ही बना दिया था, ठीक है, आप प्लेलिस्ट वगैरह में कहीं देख सकते हो, वीडियो है उसका कि पर्सनल स्वॉट करना प्रिपरेशन से पहले. आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्वॉट विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन, कि आपकी क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, राइट. हो सकता है कुछ लोगों ने, उनकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, उन्होंने इसका JRF निकाला हो, राइट, नेट निकाला हो, तो आई वुड से कि आप उन पेपर्स पे फोकस करो जो आपने आज तक नहीं पढ़े, एंड द स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी द न्यू सब्जेक्ट्स, राइट. तो सबके लिए अपनी अपनी अलग स्ट्रेंथ है, अलग वीकनेस है, उसके हिसाब से आप अपने जो आने वाले 3.5 महीने हैं उस हिसाब से आप टाइम टेबल बनाओ कि मैं इस टाइम पे ये वाला सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इस टाइम तक कंप्लीट करूंगा, अपने नोट्स कंप्लीट करूंगा, या कहाँ से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, राइट. तो ये करना जरूरी है एंड यू शुड स्टार्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम. आई वुड सजेस्ट कि आप पढ़ाई
अपने एंड में एटलीस्ट कल से ही स्टार्ट कर दो, टाइम की थोड़ी अभी अगर चेंज नहीं होता है तो अगेन बाद में आपको परेशानी हो जाएगी, राइट। देन सेकेंड इज, जो भी आप पढ़ रहे हो वन डे फॉर रिविजन, ठीक है, एक दिन आप पूरे हफ्ते में जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो, भले वो संडे हो सैटरडे हो, जो भी आपको डे सही लगता है, भले आपके टारगेट्स ही पूरे ना हो रखे हों, रिवाइज करो, बिकॉज रिविजन इज द की। जैसे प्री में भी बताया था रिविजन इज द की, यहां पे भी रिविजन की होगी, ठीक है ना। नाउ सेकेंड इज डेली आंसर राइटिंग, यू शुड स्टार्ट एटलीस्ट पिकअप योर पेन एंड राइट वॉट एवर यूर स्टडिंग, मे बी PYQ से करो, उनको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो, या फिर जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं डेली आंसर राइटिंग उसको फॉलो करो, लेकिन यू शुड पिकअप योर पेन एंड स्टार्ट राइटिंग। मार्क माई वर्ड्स, डोंट वेट फॉर द एंड, बाद में परेशानी हो जाएगी, यू विल गेट एंग्शियस, राइट, एंड या फिर आप एज्यूम कर लोगे इतना पढ़ लिया तो मैं तो लिख ही दूंगा, नहीं होता ऐसा, ठीक है ना। इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस कि कैसे स्ट्रक्चरिंग करनी है आंसर की, कितने वर्ड लिमिट होने चाहिए, किस तरह से आप प्रेजेंटेशन करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। वी विल हैव अ डिफरेंट क्लास और वीडियो फॉर दैट टू, डोंट वरी अबाउट दैट। देन इज, तो आपको एटलीस्ट एक घंटा तो यहां निकालना है, ठीक है। दूसरा, फोकस ऑन हिंदी। नाउ एज अ सेड 150 नंबर हिंदी की है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हेयर पर्टिकुलर बिकॉज सिंस वी केटर टू ओनली इंग्लिश मीडियम, राइट, सो पीपल हैव इश्यूज विद हिंदी। एंड इफ यू प्रैक्टिस हिंदी ऑल्सो, ऐसा तो नहीं है कि आप अंग्रेज हो पूरे पूरे, हिंदी सबको आती है, राइट, बट इट वुड रिक्वायर प्रैक्टिस। सो रोज एक घंटा आप हिंदी की प्रैक्टिस करो, ठीक है, इसमें ग्रामर वाला पार्ट भी है और प्लस आपका ऐसे मतलब प्रेसी राइटिंग जो भी इसमें है, आप एटलीस्ट एडिटोरियल हिंदी का पढ़ना स्टार्ट करो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी है उसको यूज़ करना स्टार्ट करो, ठीक है ना, देखो कैसे कौन कौन से वर्ड्स हैं। तो एक घंटा करोगे रोज, मार्क माई वर्ड्स, मैं भी हिंदी में पहली बार UPSC जो पहला अटैम्प्ट था वहाँ फेल हुआ था, बाद में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई थी क्योंकि फिर मैंने हिंदी को रोज कुछ ना कुछ आधा एक घंटा रोज करने लग गया था। तो हिंदी रोज करिए, यहाँ पे तो मार्क्स काउंट करना है तो करना ही पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोकस ऑन UK, राइट, 27% ऑफ द सिलेबस अप्रॉक्स, राइट। तो उत्तराखंड के लिए आप एटलीस्ट 2 घंटे रोज निकालिए, राइट, तो कितना हो गया, 4 घंटे तो आपके यही हो गए। तो आई वॉज टेलिंग यू कि कैसे मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ 12 घंटे, वो ऐसे कर रहा हूँ, 4 घंटे तो आपके यही हो गए, बाकी आप 6 से 8 घंटे जो एक्स्ट्रा निकाल सकते हो, आपको बाकी सिलेबस भी इसमें कवर करना है, राइट। डरना नहीं है, हो जाएगा, एक बार स्टार्ट करोगे व्हेन यू गेट इन द ग्रूव चीज़ें आसान हो जाएगी। अगर आप पहले से देखोगे कि हाँ मटीरियल इकट्ठा कर लिया, और फिर जनरली एंजाइटी क्यों होती है कि आप मटीरियल बुक्स का देख तो कितनी मोटी है, ये मेरे से हो पाएगी नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर आप जो टेबल चेयर में बैठोगे स्ट्रैटेजी बनाओगे, मार्क माई वर्ड्स, चीज़ें सिंपल होने लगाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से देखोगे, क्योंकि प्री अगर देख सबसे इतनी मेहनत प्री में करी है, तो ये वाई टू गिव, जस्ट गिव योर बेस्ट अटेम्प्ट आई वुड से, ठीक है ना। तो ये आपकी मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं आपकी हेल्प, नाउ सी वी डोंट वॉन्ट टू वेट फॉर प्री रिजल्ट बिकॉज वी हैव टू गिव जस्टिस टू द सिलेबस। हम लोगों ने जो कल हमने ग्रुप में भी डाला था, तो 410 घंटे की क्लासेस का डाला हुआ है, तो वी हैव टू कम्प्लीट द सिलेबस, राइट, एंड वील कम्प्लीट द सिलेबस ऑन टाइम, प्लस वी हैव टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक। तो उसके लिए आपको क्लासेस मिलेंगी पूरी, हम क्लासेस ले रहे हैं ऑनलाइन एंड एज वेल एज ऑफलाइन, वील स्टार्ट फ्रॉम 24th of July, ठीक है, 10 AM, राइट। 2 सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सोसाइटी एंड उत्तराखंड, एंड वी कैन ऐड 3rd module ऑल्सो डिपेंडिंग स्पेस कितनी है, मे बी नेक्स्ट वीक से हम नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर दें इसमें, और स्टार्ट करेंगे जो सब्जेक्ट वो है, जैसे सोसाइटी से स्टार्ट कर रहे हैं प्लस उत्तराखंड से जो चीज़ नहीं है, बाकी जो स्टैटिक है वो बाद में हम उसको कवर कर लेंगे। सेकेंड थिंग इज स्टडी मटीरियल इज देयर, अगर आपको स्टडी मटीरियल के सैम्पल देखना है, आई विल पुट इट इन डिस्क्रिप्शन सेक्शन एज वेल, हम लोगों ने कल शेयर कर दिया था, एंड वी हैव मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट दिस टाइम की जो स्टडी मटीरियल है, कीपिंग इन फोकस कि आपके लिए वो रिविजन के लिए कितना आसान हो सकता है। सो हाईलाइट करना, बोल्ड वर्ड्स बनाना कीवर्ड्स को, वो ट्राई करा हमने ट्राई करा कि हेडिंग सब हेडिंग में रहे, और पॉइंट फॉर्मेट और टेबल फॉर्मेट में, जस्ट सी द स्टडी मटीरियल, काफ़ी एफर्ट लगा, एक बार देखने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन यू कैन ऑलवेज, इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ यू वॉन्टेड, राइट। उसके अलावा डेली आंसर राइटिंग, येस वी ये हमने पहले स्टार्ट कर दिया था, काफ़ी बच्चों ने एनरोल करा हुआ है, वी स्टार्टेड ऑन 1st April, ठीक है,
और हमने इसको राउंड अबाउट यू कैन से 15 जून तक इसको चलाया था. अभी हमने ब्रेक ले रखा है और 29 जुलाई से हम इसको दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी विल कंटिन्यू टिल अक्टूबर एंड. पहले सितंबर एंड तक था, अक्टूबर एंड तक इसको चलाएंगे. उसके अलावा टेस्ट सीरीज, जो बच्चों की क्वेश्चन टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट होगी, सो वी हैव व्हाट 16 टेस्ट, 2 टेस्ट पर पेपर स्टार्टिंग फ्रॉम 10th अगस्त से हम स्टार्ट कर रहे हैं. पहले एक महीने 8 टेस्ट लेंगे हर वीकेंड में, दो दो. उसके बाद ब्रेक एक महीने का, फिर एक महीने बाद फिर आपके 8 टेस्ट दोबारा होंगे, राइट. सो यू विल हैव सफिशिएंट टाइम टू एनालाइज वेयर मेकिंग मिस्टेक एंड इम्प्रोवाइज और फिर दोबारा टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो. सो इफ यू वॉन्ट एनी हेल्प, एनी क्वेरी, यू हैव एनी क्वेरी, जस्ट कैन व्हाट्सएप मी और पवन सर, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. अगेन रिपीटिंग, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, हो गया है, टाइम ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना. एंड आई वुड सजेस्ट कि कट ऑफ अगर आप देखना बंद कर दो, या फिर हमें एक बार बार कॉल करके फ़ायदा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना. वी कैन नॉट वैलिडेट इट. हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी, हम लोगों ने सबसे बता दिया आपको, हमने अपना प्रॉपर जितना हमें लगा कि डूइंग इट लॉजिकली पिछले साल से कंपेयर करके. सो नाउ मूव ऑन, ठीक है ना. दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे. आई विल सी यू वेरी सून. थैंक यू.